हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। पांडवनगर थाने की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 3 मोबाइल फोन, 1 चाकू बरामद किया। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि 6 जून को हेड कांस्टेबल राजेश, हेड कांस्टेबल अमित और कांस्टेबल सतेंद्र की एक टीम जो कि शाम के समय संजय झील के पास गश्त कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि एक लड़का झाड़ियों के पीछे पुलिस टीम को देखकर छिपने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी निजी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 चाकू बरामद हुआ और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 343/23 धारा 25, 54 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया और जांच में पता चला कि आरोपी 8 मामलों में शामिल है। आरोपी की पहचान दिलखुश सहानी निवासी मयूर विहार फेज वन के रूप में हुई, जिसकी उम्र 18 साल है। आरोपी से जहां की जा रही है पूछताछ, आरोपी के कब्जे से 1 चाकू और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं डीसीपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने पर 8 मामले सुलझाए हैं। ये 8 मामले थाना पांडव नगर के हैं, जहां आरोपी से की जा रही है पूछताछ और मामलों के लिए।